हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का आरटीपी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हम लोग के ओल्ड मैट 2020 का जो मैट है उससे। अभी सीए इंस्टीट्यूट ने नया मैट इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया है 2021 के लिए, तो उसमें जो एडिशनल 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। फिलहाल हम लोग क्या ले रहे हैं, आरटीपी का क्वेश्चन। याद रखिएगा, आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर का क्वेश्चन कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होता है। ये मेनली क्या है, ये है हम लोगों का प्रैक्टिस कि सर जो हम लोगों ने स्टडी मटेरियल सॉल्व करने के समय सीखा है उसका प्रैक्टिस है। चलिए शुरू करें। आरटीपी नवंबर 2020, जो क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 2020 में है वही क्वेश्चन नवंबर 2019 में है, वही क्वेश्चन नवंबर 2018 में है। मतलब ये एक क्वेश्चन 3 आरटीपी में रिपीट हुआ है। आइए पढ़े। लिखा है, मिस्टर ग्रीन चैनल परचेजे सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1st of January 2017 फॉर ₹1,60,000, ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेज अमाउंटिंग टू 40,000। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर ये जो 40,000 का ओवरहॉलिंग में खर्चा हुआ है वो मशीन के कॉस्ट में जोड़ दीजिएगा। कब खरीदे हैं, 1st January 2017 को पहला मशीन खरीदे हैं। कितने का, 1,60,000 प्लस कर लेंगे 40, 2,00,000। अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000 ऑन 1st July 2017, 1st July 2017 को एक और मशीन खरीदे हैं। कितने का, 80,000, 2 मशीन हो गया। On 1st July 2019, the machine installed on 1st January 2017 was sold for 1,00,000. पहला मशीन कब बेच दिए, 1 जुलाई 2019 को, कितना में, 1,00,000 रुपया में। आगे, another machine amounted to 30,000 was purchased and installed on 30 September 2019 को 30,000 का एक तीसरा मशीन भी खरीद लिए। Under the existing practice, the company provides depreciation at the rate 10% per annum on original cost. Sir, कंपनी जो डेप्रिसिएशन लगाती है वो 10% लगाती है ओरिजिनल कॉस्ट के, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है। हाउएवर फ्रॉम द ईयर 2020, 2020 से कंपनी एडॉप्ट कर ली WDV मेथड और डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगी 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द ईयर 2017 to 2020, 17, 18, 19, 20, 4 साल का बनाना है। 3 मशीन खरीदे हैं और एक मशीन बिक गया है। मेथड कब चेंज होगा, 2020 में, मतलब 19 तक किस में लग रहा होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब स्ट्रेट लाइन तक। और 20 जब आएगा 2020 तो क्या होगा, हम बोले सर मेथड चेंज कर देंगे और एक नया मेथड आ जाएगा जिसका नाम है WDV मेथड, रेट होगा 15%। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, हम बोले नहीं, जब तक रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ना बोले तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 17, 18, 19 स्ट्रेट लाइन मेथड और जब 20 आएगा तो WDV मेथड। चलिए शुरू करें क्वेश्चन को। इन द बुक्स ऑफ ग्रीन चैनल हम फॉर्मेट बना लिए हैं मशीन अकाउंट। सबसे पहला मशीन कब खरीदे, 1st January 2017, तो डेट लिखिए 1st January 2017। क्या लिखेंगे, टू बैंक, पहला मशीन कितना में खरीदे, सर 1,60,000 और 40,000 लगाने में सब मिला के 2,00,000 रुपए। हम बोले हाँ। क्या इसी साल 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन खरीदे, हम बोले हां। फिर से टू बैंक M2, कितने का खरीदे हैं, 80,000। बुक्स कब बंद होगा, हम बोले सर 31st दिसंबर को 2017। क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, 2 मशीन है दोनों के ऊपर, M1 2,00,000 का, कितना परसेंट, 10%। कितना मंथ, हम बोले पूरा 12 महीना। कैसे 12 महीना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 20,000। M2 80,000 में खरीदे, हम बोले हां, रेट 10%। कितना महीने का, 6 महीने का, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक 4,000। टोटल डेप्रिसिएशन 24,000 बाय बैलेंस सीडी, 1 साल खत्म। M1 M2 कैसे निकालते हैं, सर डेबिट साइड के M1 से क्रेडिट साइड के M2, M1 को माइनस कर दीजिए, 2,00,000 माइनस 20,000,
180,000। M2 डेबिट साइड में कितना है 80, क्रेडिट साइड में 476, 2,56,000। पहला साल खत्म, अगले साल सीडी को बीडी करेंगे, 1/1/2018 टू बैलेंस बीडी, दो मशीन है, एक एम वन एक एम टू, कितने कितने का 1,80,000 और 76, 2,56,000। उसके बाद बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2018 को, क्या लिखेंगे बाय डेप्रिशिएशन, एम वन ओरिजिनल पे लगाना है तो सर 2,00,000, उसका 10%, क्या पूरा ईयर यूज किए हैं जी 20,000। सर कैसे मालूम चलता है, यहां से यहां तक गिनते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, एम टू ओरिजिनल दाम 80,000, 10%, क्या M2 भी पूरा साल इस्तेमाल हुआ है जी M2 भी पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, कितना आया 28,000 बाय बैलेंस CD, M1 M2 कैसे निकालेंगे, डेबिट साइड के M1 से क्रेडिट साइड के M1 को माइनस कर दीजिए 1,60,000, डेबिट साइड के M2 से क्रेडिट साइड के माइनस कर दीजिए 68,000, दो साल खत्म, यहां तक लिखिए, अब तीसरे साल में सीडी को बीडी करेंगे, एक एक 2019, क्या इस साल कुछ हुआ है, हां एक मशीन बिक गया, कौन सा M1 M2, 1,60,000 और 68,000, 2,28,000। कब बिका है, लिखा है 1 जुलाई को पहला मशीन बिक गया, 1 जुलाई 2019। सबसे पहले क्या लगेगा, जिस मशीन को बेच रहे हैं उस मशीन को बेचने के दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, M1 ओरिजिनल दाम, अभी मेथड थोड़ी बदला है, 2020 में बदलेगा, 10%, कितना महीना 6 महीना, 10,000, अब बेच दिए बाय बैंक सेल ऑफ M1, कितने में बेच दिए 1,00,000, आओ प्रॉफिट लॉस चेक करें, 1,60,000 का M1 था, कब 1 जनवरी को, 1 जुलाई को बेचे तो 1 जुलाई तक 10,000 और यूज कर लिए, तो 160 में 10 यूज कर लिए, तो अभी भी वो 150 का था, 150 का चीज कितना में बेचे हैं 1,00,000 में, तो लॉस ऑन सेल, सर क्या यहां हम सीधा बाय पीएल लिख सकते हैं, हां आप सीधा बाय पीएल लिख सकते हैं, कितने रुपए का लॉस है 50,000। फिर क्वेश्चन लिखा है एक और मशीन खरीद लिए 30 सितंबर 2019 को, M3 खरीदते हैं 30 सितंबर 2019 टू बैंक M3, कितने का खरीदे हैं 30,000, और कुछ हम बोले नहीं तो बुक्स बंद करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2019 M1 तो बिक गया, कौन बचा M2 M3, तो M2 और M3 के ऊपर 10%, अभी मेथड चेंज नहीं हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन M2 और M3, M2 का ओरिजिनल दाम 80,000, M3 का ओरिजिनल दाम 30,000, 10%, M2 तो पूरा एक साल इस्तेमाल हुआ है 12 मंथ, तो 8,000,
और M3 अभी अभी खरीदे हैं, कितने रुपए खरीदे हैं? 30,000 का। कब खरीदे हैं? 30 सितंबर। 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक 3 महीना। ₹750 जोड़ के बाहर 8,750 ये निकला डेप्रिसिएशन M2 और M3 का। अब क्या निकालते हैं? बाय बैलेंस सी डी M2 का, M3 का। कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड का M2 68,000, क्रेडिट साइड का M2 8,000, कितना बचा? 60,000। M3 30,000 माइनस 750 29,250 जोड़ के बाहर 89,250। चलिए जोड़िए 2,58,000। लिखिए आइए फोर्थ ईयर 1/1/2020 इस साल क्या हुआ है? मेथड चेंज, पहले सीडी को बीडी कर लेंगे। M2 कितने का है? 60। M3 कितने का है? 29,250। बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर को। बाय डेप्रिसिएशन, M2 अब किस पे लगाना है? सर WDV मेथड से। WDV में किस में लगता है? सर जो बैलेंस BD होता है उसके ऊपर। तो 60,000 पे लगेगा। कितना परसेंट? 15%। पूरा एक साल यूज किए 12/12 कितना आएगा? 9,000। M3 29,250 उसका 15% कितना? मंथ का, पूरा 12 महीने का, पूरा एक साल यूज हुआ है। चलिए निकालिए कितना आएगा। 4387.5 जोड़ के बाहर 13,387.5 बाय बैलेंस सीडी। M2 60,000 माइनस 9,000 51,000। M3 29,250 माइनस 4,387.5 24,862.5 प्लस करके बाहर 75,862.5। तो ये हम लोग का क्या हो गया? RTP नवंबर 2020, नवंबर 2019, नवंबर 2018, तीनों में सेम क्वेश्चन है। एक साथ हम लोग वो तीनों RTP क्वेश्चन डेफिनेशन से बना लिए। यहां तक लिखिए। आइए RTP मई 2020, ए प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग ₹10,00,000 इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ। बोल रहा है एक प्लांट एंड मशीन 10,00,000 का है जिसका लाइफ क्या है? 10 साल है, और वो स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट होता है। एंड 0 रेसिडुअल वैल्यू, और उसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 0। तो सर डेप्रिशिएशन पर एनम निकाल सकते हैं। 10,00,000 डिवाइडेड बाय लाइफ है 10 साल, तो कितना आएगा? ₹1,00,000 पर एनम। हम बोले ठीक। एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, बोल रहा है जब चौथा साल का एंड हुआ, द मशीन वाज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 40,000। चार सालों के बाद जब चौथा साल का एंड हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मशीन का दाम 40,000 से रीवैल्यू कर दिए हैं अपवर्ड, मतलब बढ़ा दिए हैं। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर, और फिर लाइफ को भी रिवाइज कर दिए, कितना कर दिए हैं? 8 ईयर। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फिफ्थ ईयर, पांचवां साल का क्या निकालने बोला है हमको? डेप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कब का है? मई 2020। इसमें कोई अकाउंट नहीं खोलना है, बस डेप्रिसिएशन बताना है फिफ्थ ईयर का। तो लिखते हैं इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ओरिजिनल दाम दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 10,00,000।
10 लाख। हम बोले हाँ। दूसरा, ओरिजिनल लाइफ कितना है, लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स। हम बोले हाँ। क्या डेप्रिसिएशन पर एनम निकाल सकते हैं? हम बोले बिल्कुल, डेप्रिसिएशन पर एनम 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख। रेसिडुअल वैल्यू 0 है क्वेश्चन में। अगर रेसिडुअल वैल्यू होता तो 10 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू। नंबर चौथा, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, शुरू के 4 साल का डेप्रिसिएशन, 1 लाख अगर 1 साल का तो 4 साल का 4 लाख रुपया। हम बोले हां। WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन, एट द एंड ऑफ 4th ईयर। सर इतना लिखना पड़ेगा, एक्चुअली हम बड़ा कर रहे हैं। 5 नंबर का सवाल में अगर 1 लाइन बना देंगे तो देखने में थोड़ा सा खराब लगेगा। तो हम बोल रहे हैं बताओ मशीन 4 साल के बाद कितना का बचा। हम बोले 10 लाख का शुरू में था, 4 साल में 4 लाख डेप्रिशिएट हो गया, तो मशीन का दाम कितना होगा, 6 लाख। इस दिन रिवीजन हो गया तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन क्या हुआ है? हम बोले सर अपवर्ड रिवाइज हुआ है। कितने रुपए का? हम बोले 40,000। तो रिवाइज्ड वैल्यू है मशीन का 6,40,000। रिवाइज्ड लाइफ भी हो गया है कितना, 8 ईयर्स। तो इस मशीन का लाइफ कितना है, 8 ईयर्स। तो क्या हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं 5th ईयर का, 5th ईयर। हम बोले हां। कैसे सर? कॉस्ट है 6,40 डिवाइडेड बाय 8, 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा 5th ईयर। बस यही सोल्यूशन है, लिखिए। आइए अगला, मई 2019 आरटीपी का क्वेश्चन। लिखा है ए लीज इज परचेज ऑन 1st अप्रैल 2014 फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए लीज लिया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। कितने रुपए का? 2 लाख का। इट इज प्रपोज टू डेप्रिशिएट द लीज बाय द एन्यूटी मेथड। ये क्वेश्चन एन्यूटी मेथड का है। चार्जिंग 5% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना चल रहा है, 5%। ए रेफरेंस टू द एन्यूटी टेबल शोज दैट टू डेप्रिशिएट ₹1 बाय एन्यूटी मेथड ओवर 4 ईयर चार्जिंग 5% इंटरेस्ट, वन मस्ट राइट ऑफ ए सम ऑफ 0.282012 टू राइट ऑफ 2 लाख। वन हैज टू राइट ऑफ एवरी ईयर 56,402.04 रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू सू द लीज अकाउंट। एक तो बनाना है लीज अकाउंट, वो बनाएंगे। एंड कितने सालों का? हम बोले सर वही 4 सालों का। एंड ऑल्सो द रेलिवेंट एंट्री पोस्टेड टू द पीएल अकाउंट। और क्या बनाना है? पीएल अकाउंट बना के आपको दिखा देना है कि कैसे पोस्ट होगा। हम बोले चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। पहला, कब खरीदे हैं? 1st अप्रैल 2014 को लीज पे लिए, टू बैंक। कितने का? 2 लाख। ईयर का एंड होगा क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन बता ही दिया है। हम बोले हां, 2015 बाय डेप्रिसिएशन। वो खुद ही बता दिया है कितना, 56,402.40। क्या ईयर एंड पे इंटरेस्ट भी मिलेगा? हम बोले हां। यही तो लीज का क्वेश्चन एन्यूटी मेथड का फायदा है कि सर आपको इंटरेस्ट भी लिखना है। बोले ठीक, कितना मिलेगा? हम बोले सर कितना पैसा लगाए थे, 2 लाख, उसका कितना परसेंट, 5%। पूरा 1 साल हुआ है तो 10,000। और अब क्या निकाल लेंगे, बाय बैलेंस सीडी।
एक साल खत्म। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए बैलेंस शीट। दो लाख दस हजार में माइनस कर देंगे। आइए करें माइनस, कितना पैसा आएगा वो बताइए। ये आएगा 1,53,597.60। सीडी को बीडी करेंगे 1,42,015 टू बैलेंस बीडी 1,53,597.60। ईयर का एंड होगा, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट कितना? 5%। किसका 5%? सर जो बीडी है उसका 5%। 5% कितना आएगा वो देखिए, 7,679.88। डेप्रिशिएशन वो तो फिक्स्ड है, बाय डेप्रिशिएशन जो है 56,402.40 बाय बैलेंस सीडी। चलिए जोड़ा जाए, जोड़े कितना आएगा? 1,61,277.48 माइनस, इसमें से माइनस करना है 56,402.40 रिमेनिंग 1,04,875.08। दो साल खत्म, तीसरा साल सीडी को बीडी करेंगे पहले, टू बैलेंस बीडी 1,04,875.08। बुक्स बंद होगा 31 मार्च 2017, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट 153,597.6 का कितना परसेंट? 5%। आइए निकाले कितना आएगा, 5,243.75। फिर ईयर के एंड में क्या लगते रहेगा? डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन 56,402.40 बैलेंस सीडी। आओ जोड़े 1,10,118.83 माइनस कर देंगे 56,402, कितना बच जाएगा? 53,716.43। नेक्स्ट फिर सीडी को बीडी 1,42,017 टू बैलेंस बीडी 53,716.43। बुक्स बंद करेंगे 31 मार्च 2018, क्या लगेगा? बाय डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का अमाउंट तो फिक्स था, कितना रुपया? 56,402.40। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। ये हम लोग हमेशा बैलेंसिंग से निकालेंगे लास्ट ईयर में। आइए माइनस करें, कितना आएगा? 2,685
0.97। ठीक है, तो ये है हम लोग का मई 2019 आरटीपी का क्वेश्चन। लिखिए आरटीपी मई 2018 लिखा है एलजी ट्रांसपोर्ट परचेज 10 ट्रक ऑफ 45 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2014। बोल रहा है एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 10 ट्रक खरीदे हैं, हर ट्रक का दाम कितना है 45 लाख। कब खरीदे हैं 1 अप्रैल 2014 को। ऑन 1 अक्टूबर 2016 वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 27 लाख इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। बोल रहा है 1 अक्टूबर 2016 को एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब सर 10 ट्रक में एक ट्रक आगे चल के खत्म हो जाएगा और 9 ट्रक बचेगा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि जो ट्रक आगे चल के खत्म हो जाता है चाहे बेच के चाहे डिस्ट्रॉय करके उसको शुरू में अलग कर लीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर जब आप बनाइएगा तो 9 ट्रक T1 के अंदर डाल लीजिए या T2 के अंदर डाल लीजिए और एक ट्रक जो बर्बाद होगा उसको अलग ट्रक मान लीजिए, मतलब दो ग्रुप कर लीजिएगा, एक में होगा सिर्फ एक ट्रक और दूसरे में कितना होगा 9 ट्रक। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे चल के जब वो बर्बाद होगा तो उसको खत्म करने से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो निकालना आसान होगा, इसलिए हम लोग अलग अलग लिखेंगे। हम बोले ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फिर लिखा है ऑन द सेम डेट जिस दिन ट्रक बर्बाद हुआ उस दिन अनदर ट्रक इज परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर ए सम ऑफ 50 लाख। उसी दिन कंपनी ने एक और ट्रक खरीद लिया कितने रुपए का 50 लाख। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। कंपनी कितना चार्ज करती है डेप्रिसिएशन 20%। द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। कंपनी अपना बुक्स कब बंद करती है 31 दिसंबर कैलेंडर में। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 2017। बोल रहा है 2 साल का आपको मोटर ट्रक अकाउंट बना के दिखाना है जिसका ईयर कब बंद होगा 2017 दिसंबर को। तो हम बोल रहे हैं सर आपको 16 और 17 बनाना है क्योंकि 17 तक बनाना है और 2 ही साल बनाना है, तो 17 एक साल और उसके पीछे का एक साल 16, तो 16 और 17। जबकि ट्रक खरीदे कब है 14 में 1 अप्रैल 2014 में, तो 14 में ट्रक खरीदे हैं और क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ 16 और 17 का अकाउंट बना के दिखलाइए। तो 14 का जो ट्रक होगा वो 16 में तो रिटर्न डाउन वैल्यू होके आएगा, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन 14 में लगा होगा 15 में लगा होगा तब जाकर के वो 16 में पहुंचेगा। तो हम लोग के लिए एक वर्किंग खड़ा हो गया कि सर पहले हम लोग एक वर्किंग बनाएंगे किस चीज के लिए कि ट्रक का वैल्यू 1 जनवरी 2016 को कितना था। कितना ट्रक है 2, एक ट्रक जिसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रक रहेगा और दूसरा ट्रक जिसके अंदर 9 ट्रक रहेगा और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू हम कब तक निकालना है 1 जनवरी 2016। अगर हम ऐसा करेंगे तभी बना पाएंगे क्योंकि 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2017 बस 2 ही साल बनाना है हम लोगों को। जबकि ट्रक कब खरीदे हैं सर, ट्रक खरीदे हैं 1 अप्रैल 2014 को। बात समझिए, ट्रक कब खरीदे हैं 1 अप्रैल 2014 को, कितने का, एक का दाम है 45 लाख, 10 ट्रक खरीदे हैं। और सवाल कौन से साल का बनाने बोल रहा है, वो बोल रहा है 1 जनवरी 2016 का बनाना है और कब तक बनाना है 31 दिसंबर 2017 तक। तो हमारे सर 2 साल आपको बनाना है, खरीद रहे हैं यहां और बनाने बोल रहा है इस 2 साल का। तो यहां से यहां तक ट्रक अगर पहुंचेगा तो सर बीच में बंद होगा 31 दिसंबर 2014 को, हम बोले हां, फिर बंद होगा 31 दिसंबर 2015 को, हम बोले हां, 2 बार किताब को क्लोज करना पड़ेगा, 2 बार क्लोज होगा तो क्या 2 बार डेप्रिसिएशन लगेगा, हम बोले हां। तो 1 जनवरी 2016 को इस ट्रक का दाम कितना है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम बोले सर 2 साल का डेप्रिशिएट कर दीजिए तो आप यहां पहुंच जाइएगा, हम बोले हां, बस उसी 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वर्किंग करके। बात समझते हैं, चलिए शुरू करें। कॉस्ट ऑफ ट्रक T1 कितने लाख का, एक ही ट्रक है इसके अंदर 45 लाख जो आगे चल के डिस्ट्रॉय होगा। दूसरा ट्रक T2 वो कितने लाख का है, हम बोल रहे सर 9 ट्रक है और हर एक ट्रक का दाम है 45 लाख, तो 45 लाख इंटू 9
चलो मल्टीप्लाई करेंगे, एक दो लीजिए कितना आया सर, 4,05,00,000 रुपया, 4,05,00,000। हम बोले ओके, कब खरीदे हैं ये ट्रक, 1 अप्रैल 2014 को, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20% पर एनम। अप्रैल में खरीदे हैं और डेप्रिसिएशन कब लगता है, बोले सर 31 दिसंबर को, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, 45 लाख का 20% फॉर 9 मंथ, 4,05,00,000 का भी 20% फॉर 9 मंथ, ये हम लोग को निकालना है। आइए आइए कितना आएगा, 6,75,000, ये कितना आएगा, 60,75,000। ये निकला किस दिन का रिटर्न डाउन वैल्यू, ये निकला है रिटर्न डाउन वैल्यू 1 जनवरी 2015 का, तो 45 लाख में माइनस कर देंगे 6,75,000, 38,25,000, और 4,05,00,000 में माइनस कर देंगे 60,75,000, तो निकल गया हम लोग का ट्रैक 2 3,44,25,000। हमको जाना कहां तक है, 1 जनवरी 2016, हम बोले सर एक और साल का डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, कब लगा होगा, 31 दिसंबर 2015 को, ओरिजिनल दाम का 20% 9,00,000, ओरिजिनल दाम का 20%, हम बोले सर 81,00,000, ये निकल गया हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू किस दिन का, 1 जनवरी 2016, जिसका जरूरत था हम लोगों को, 29,25,000। आइए इधर भी माइनस करें, ₹2,63,25,000, ये क्या है, हम बोले सर ये है हम लोग का बीडी 1-1-2016 का, टू बैलेंस बीडी T1 T2, ट्रक अकाउंट बना रहे टी से रख लिया, T1 T2, एक ट्रक कितना का है 29,25,000, दूसरा 2,63,25,000। आइए दोनों को जोड़े और जोड़ के बाहर लिखे, 2,92,50,000। अब क्या हुआ, हम बोले सर 1 अक्टूबर को पहला ट्रक बिक जाएगा, तो 1 अक्टूबर को बेचेंगे तो 1 अक्टूबर 2016 तक क्या लगा होगा, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, हमारे ट्रक वन के ऊपर, ट्रक वन का ओरिजिनल दाम 45,00,000, उसका कितना परसेंट 20%, कितना मंथ यूज किए, हम बोले 9 मंथ, कितना आएगा 6,75,000 बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम हमको मिला, इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए का क्लेम मिला है, 27,00,000। आइए देखें फायदा के नुकसान, क्योंकि बेचने से तो हमेशा फायदा नुकसान होता है, 29,25,000 का एक ट्रक था जिसमें से 6,75,000 रुपीज यूज कर लिए, तो कितने का बचा 22,50,000, 29,25,000 में 6,75,000 यूज कर लिए, तो कितने का बचा है, वो हमने सर वो बचा है 22,50,000, बेचे कितना में 27,00,000 प्रॉफिट, कि सर क्लेम मिला है, बेचे नहीं है क्लेम मिला 27,00,000, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ T1 कितने रुपए का सर, 22,50,000 का चीज 27 में बिका है तो 4,50,000 रुपया का प्रॉफिट है, हम बोले हाँ प्रॉफिट लिख लिए, क्या इसको PL लिख सकते हैं, हाँ आप इसको 2PL भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब फिर क्या बोला, जिस दिन बर्बाद हुआ है ट्रक उसी दिन एक और ट्रक खरीद लिया, मतलब 1 अक्टूबर 2016 को, टू बैंक ट्रक नंबर 3,
कितना रुपया? 50 लाख। अब बुक्स को बंद करेंगे 31 दिसंबर 2016। बुक्स जब बंद करेंगे तो क्या लगेगा? बोले डेप्रिसिएशन। पहला ट्रक तो है नहीं, T2 ओरिजिनल दाम पे लगना है सर। ओरिजिनल दाम तो है 4,05,00,000। उसका कितना परसेंट? हम बोले 20%। क्या पूरा साल यूज किए हैं? जी। तो 81,00,000। ट्रक 3 जो अभी अभी खरीदे हैं 3 महीना पहले, कितने का? 50 लाख का, 20%। कितना महीना यूज किए? 3 महीना। तो 3 बाई 12 कितना आएगा? 2,50,000। जोड़ के बाहर 83,50,000 का डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस सीडी निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी। T2 T3 कैसे निकालते थे सर? डेबिट साइड के T2 से क्रेडिट साइड के T2 को माइनस कीजिए। 2,63,25,000 माइनस 81,00,000 और 50 लाख माइनस 2,50,000, तो सर ये तो होगा 47,50,000। और 2,63,25,000 में 81,00,000 माइनस कर दीजिए, 25,000 तो रहेगा ही। ₹1,82,25,000 जोड़ के बाहर 75,000, ये सब मिटा देते हैं, 2,29,75,000। चलो जोड़ लिया जाए इसको, जोड़ो, जोड़ करके आएगा 3,47,00,000। एक साल खत्म, 2 साल बना था, सेकेंड ईयर 1 जनवरी 2017। टू बैलेंस बीडी T2 T3 T2 कितने का? 1,82,25,000 और T3 47,50,000। टू करोड़ 29,75,000। बुक्स कब बंद होगा? 31 दिसंबर 2017। क्या लगेगा पहले? डेप्रिसिएशन। इस साल और कुछ? हम बोले नहीं, इस साल कुछ नहीं हुआ। चलिए कितना ट्रक है? 2, एक T2 एक T3। ओरिजिनल दाम हम बोले सर 4,05,00,000, उसका 20% पूरे साल के लिए जो आएगा 81,00,000। हम बोले हाँ। T3 ओरिजिनल दाम 50,00,000, 20% इस साल पूरे साल यूज हुआ है 12 मंथ, 10,00,000, 91,00,000 का डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस सीडी। T2 और T3 47,50,000 माइनस 10,00,000, 37,50,000। 1,82,25,000 माइनस 81,00,000, तो 1,01,25,000। चलिए जोड़ के बाहर 1,38,75,000। ये खत्म हुआ आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन। तो आरटीपी में डेप्रिसिएशन का इतना ही क्वेश्चन था जो हम लोग बनाए और पाए कि हाँ सर, जो हम लोग स्टडी मटेरियल के समय कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे
उससे तो सारा आरटीपी का क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन गया। लिखिए,